पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस दौरान सदन कैसे सुचारू रूप से चले उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बातचीत हुई। हालांकि सर्वदलीय बैठक के बीच जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी जानकारी शेयर कर दी, जिसकी वजह से सियासत गर्मा गई। जयराम रमेश ने बैठक में कांग्रेस की ओर से रखे गए मुद्दों की सिलसिलेवार ढंग से उनको बताया, उसको ट्वीट किया और इस दौरान पोस्ट में उन्होंने 6 पॉइंटर में कई मुद्दों की जानकारी भी दी। इसके बाद लगातार वो घिरते चले गए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सर्वदलीय बैठक में जो भी बातें यहां पर हुई हैं उनको उन्होंने सोशल मीडिया एक्स साइट पर पोस्ट कर दिया है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उधर जयराम रमेश के पोस्ट के बाद सियासी बवाल मच गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और संसदीय परंपराओं की पवित्रता और प्रोटोकॉल को बनाए रखने की बात कही। इसके साथ ही जेडीयू नेता संजय झा ने भी इसे लेकर सवाल खड़ा कर दिया और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि काश वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने संसदीय कार्यवाही की पवित्रता का सम्मान किया होता।